साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा और पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करवाने को लेकर आज फिर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। शिक्षा मंत्री जी ने चेयरमैन साहब को एक बार फिर आज फोन किया है। हालांकि दोनों भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम अगले वीक में आएगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम लगभग आज तैयार हो जाएगा, लेकिन सरकार की अनुमति मिलेगी तो ही आज परिणाम जारी हो पाएगा, अन्यथा सोमवार मंगलवार तक परिणाम जारी हो पाएगा। लेकिन मैं अभी सचिवालय में मौजूद हूँ। सीएमओ में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मिलकर मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी हालत में आज या कल तक, यानी कि आज शुक्रवार शाम तक या शनिवार तक परिणाम जारी हो, जिससे लाखों बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो सके। लेवल उनका परिणाम जारी करवाने के लिए और पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए मैं सीएमओ में जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राघव जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, जिससे अध्यापक भर्ती लेवल वन का कम से कम परिणाम आज शाम तक या कल शनिवार को जारी हो जाए। और यदि किसी कारणवश वो देरी होती है तो आपने मैंने आपको ट्वीट करके बता ही दिया था कि सोमवार मंगलवार तक जारी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आज शाम तक या कल तक जारी हो। इसलिए मैं सचिवालय में हूँ। पहले शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, उनका कॉल करवाया, और अब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलने के लिए आया हूँ। मैं सीएमओ के बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ और आने वाले वीक में पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी होगा। उसके बाद 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में कई मंत्री शामिल होंगे। उसमें हमारा लक्ष्य होगा कि जून जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक तो अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले और जून जुलाई तक पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। तो पीटीआई और अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी है 7 जून की तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि 7 जून का युवा बेरोजगार महासम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। और भी मुलाकात करके दोनों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी अपडेट होगी शाम तक मिल जाएगी, लेकिन उद्देश्य यही है शुक्रवार या शनिवार तक अध्यापक भर्ती परीक्षा का लेवल 1 का परिणाम जारी हो। धन्यवाद।